नमस्कार दोस्तों दोस्तों क्या आप गूगल का कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं? नहीं करते तो कोई बात नहीं, स्मार्टफोन तो आप यकीनन यूज करते ही करते होंगे। दरअसल ये बात हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि अगर आप कोई एंड्रॉयड स्मार्टफोन या फिर गूगल का कोई डिवाइस यूज करते हैं तो यकीन मानिए कि आप गूगल की नज़रों से किसी भी हाल में नहीं बच सकते हैं, क्योंकि गूगल की आप पर न सिर्फ नज़र ही है बल्कि ये तय मानकर चलिए कि आप हर वक्त हर सूरत में एक तरह से गूगल की नज़रबंदी में है, क्योंकि गूगल अपने यूजर्स की लगभग हर एक्टिविटीज़ को ट्रैक करता है। गूगल को ये अच्छी तरह से पता है कि आप कौन कौन सी साइटों पर विजिट करते हैं, कब और कहां से ऑनलाइन ख़रीदारी करते हैं, और तो और गूगल को ये तक भी पता होता है कि आप कब कब क्या क्या करते हैं। ऐसे में इस वीडियो में हम आपको गूगल से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बता रहे हैं जिन्हें जान लेना आपके लिए ज़रूरी है, इसलिए वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए पूरा देखें क्योंकि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गो। दोस्तों इसमें किसी तरह का कोई इफ एंड बट नहीं है कि गूगल आज हम सभी के लिए एक प्रकार से बहुत जरूरी जरूरत बन चुका है, चाहे बात पढ़ाई लिखाई की हो या फिर किसी भी काम के लिए कोई जानकारी हासिल करने की बात हो। कमोबेश हर काम के लिए आज हम सभी गूगल की मदद लेते ही लेते हैं और जाहिर तौर पर हमारी हर नीड को गूगल पूरी भी करता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आपकी इन्हीं ज़रूरतों को पूरा करने के बदले में गूगल आपसे आपके पर्सनल डेटा की जानकारी रखने की भी परमिशन ले लेता है? जी हाँ, हर कोई गूगल को ये परमिशन देता भी है, तभी तो आप गूगल का इस्तेमाल कर पाते हैं। गूगल पर जो कुछ भी आप करते हैं उसके बारे में गूगल को न सिर्फ पूरी जानकारी होती है बल्कि उसे गूगल अच्छी तरह से याद भी रखता है, यानी आपकी हर एक्टिविटी गूगल में स्टोर रहती है। ऐसा उस वक्त और भी सटीक हो जाता है जब आप गूगल के किसी ब्राउजर में साइन इन होते हैं। अगर आप अपनी किसी पुरानी लोकेशन के बारे में बात करते हैं तो इसका जवाब भी गूगल के पास बिल्कुल सही होता है। दरअसल गूगल उन सभी डिवाइसेस के डेटा पर नजर रखता है जिनमें कहीं भी किसी भी तरह से गूगल के अकाउंट से साइन इन किया गया हो। ऐसे में गूगल हर डिवाइस से लोकेशन की हिस्ट्री के डेटा को एक्सेस कर लेता है और इसी कारण से गूगल को ये पता होता है कि आप कब और कहां पर थे। इसी तरह से बात अगर YouTube की करें तो YouTube पर आप जो कुछ भी सर्च करते हैं या देखते हैं उसके बारे में पूरी डिटेल गूगल के पास अपडेट रहती है। तभी तो आपने देखा होगा कि जब YouTube पर आप कोई वीडियो देखते हैं तो उसी कैटेगरी से जुड़े हुए वीडियो के आपको सजेशंस मिलते हैं, यानी अगर आप YouTube पर कोई भजन देखते हैं तो आपको और भी जो दूसरे भजन है उन्हीं के वीडियो दिखाई देते हैं। इसी तरह से अगर आप टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ कोई वीडियो देखते हैं तो आपको टेक वीडियो के सजेशंस नजर आते हैं। इसी तरह से अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में बात करें तो गूगल को ये अच्छी तरह से पता है कि आप कौन सी वेबसाइट से कब कोई प्रोडक्ट और कितने रुपए में इस प्रोडक्ट को खरीदते हैं, कब कहां से आप कहां के लिए टिकट बुक कराते हैं, कब किस चीज का बिल जमा कराते हैं, ये भी गूगल को अच्छी तरह से पता होता है। हालांकि इसके कुछ फायदे भी जरूर होते हैं जिनकी वजह से कई बार जब हम कुछ भूल जाते हैं या फिर बिल जमा कराना भूल जाते हैं तो अगला बिल आने पर गूगल हमें उसके बारे में याद दिला देता है। इसी तरह से अगर आप कहीं जाने के लिए कोई टिकट बुक कराते हैं और जब उसके डिले होने के चांसेस बनते हैं तो गूगल हमें उसके बारे में याद दिला देता है। और भी न जाने कितने ही ऐसे काम है जिनके बारे में गूगल सब कुछ जानता है। मसलन आप कब कहां जाते हैं, कब किसके साथ होते हैं, कब क्या देखते हैं, कब जागते हैं, कब सोते हैं, कब क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, और तो और आपकी पसंद नापसंद के बारे में भी गूगल शायद आपसे भी बेहतर तरीके से जानता है। तभी तो वह गूगल है भाई।
सब जानता है। बहरहाल डेटा लीक के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए इस बारे में भी चिंता किए जाने में अब ना तो कोई ताजुब की बात है और ना ही अब ये कोई अजीब सा ख्याल रह गया है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो और ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर ले, चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के बाद बगल वाला बेल आइकन जरूर दबा दे और साथ ही ऑल का ऑप्शन भी सेलेक्ट कर ले, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उन्हें सबसे पहले देख सके। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात किसी नई जानकारी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।